अपने पार्टनर के साथ लौटे हैं गोविंदा और सीधे अजय देवगन को टक्कर। अभिषेक डोगरा के डायरेक्शन में बन रही गोविंदा की फिल्म फ्राइडे का नया पोस्टर रिलीज हुआ है। गोविंदा और वरुण शर्मा स्टारर ये फिल्म पहले मई में रिलीज होने वाली थी, लेकिन पोस्टपोन होकर अब ये 12 अक्टूबर को रिलीज होगी। बता दें कि इसी दिन अजय देवगन की फिल्म हेलीकॉप्टर ईला भी रिलीज हो रही है, जिसमें मेन रोल काजोल निभा रही हैं। याद दिला दें, 2017 में गोविंदा की फिल्म आई थी आ गया हीरो, यह औंधे मुंगेरी थी, लेकिन 2018 में वो एक बार फिर एक फिल्म के साथ आ रहे हैं। फ्राइडे के अलावा गोविंदा पहलाज निलानी की अगली फिल्म रंगीला राजा में भी दिखने वाले हैं। फ्राइडे के डायरेक्टर अभिषेक डोगरा ने कहा, मैं हमेशा से गोविंदा का फैन रहा हूँ, मुझे उनकी कॉमेडी का अंदाज पसंद है, लिहाजा मैंने फैसला किया था कि एक दिन मैं गोविंदा के साथ काम जरूर करूंगा। मेरी फ्राइडे में दर्शकों को गोविंदा का वही अंदाज दिखेगा जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। डायरेक्टर का मानना है कि फ्राइडे के साथ गोविंदा के बुरे दौर का अंत होगा, क्योंकि इस फिल्म को टिपिकल गोविंदा ऑडियंस के लिए बनाया जा रहा है। फिल्म में हर वो बात होगी जिसके लिए गोविंदा जाने जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि इन फिल्मों के साथ गोविंदा अपनी शानदार वापसी करे और एक बार फिर दर्शकों के दिलों में जगह बना ले। कुछ वक्त पहले ही जग्गा जासूस में गोविंदा नजर आने वाले थे, लेकिन उनका रोल फिल्म के रिलीज होने से पहले काट दिया गया था।